हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकेत लटोरिया और आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉर्डिंग रेनगेज। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मेजरमेंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेशन को हम मेजर करते थे विद द हेल्प ऑफ रेनगेज। क्लियर? तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो हमारी प्लेलिस्ट को चेक करके प्रीवियस वीडियो को देखें, नहीं तो ये जो हम रिकॉर्डिंग रेनगेज को आज समझने वाले हैं ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा। क्लियर? तो रिकॉर्डिंग रेन गेज में क्या होता था ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे कि यहां पर जो आपका रेनफॉल डेटा होता है वो कंटिन्यूअस क्या होता है, प्लॉट होता है। और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज आपका जो था उसमें आपको बॉटल रीडिंग लेनी पड़ रही थी कि लास्ट पास्ट 24 आवर्स में जो भी आपका रिकॉर्डिंग रेनफॉल का हुआ है उसको मॉर्निंग 8:30 AM आपको क्या करना पड़ता था, देखना पड़ता था। क्लियर? तो अब रिकॉर्डिंग रेनगेज में एडवांटेज ये है कि यह परमानेंट ऑटोमेटिक आपका कंटिन्यूअसली रेनफॉल डेटा को क्या करता है, प्लॉट करता है। क्लियर? तो यहां पे मैंने आपको पॉइंट लिख दिया है कि रिकॉर्डिंग रेनगेज गिव्स परमानेंट ऑटोमेटिक रेनफॉल रिकॉर्ड विदाउट एनी बॉटल रीडिंग। किसी भी बॉटल रीडिंग के बिना यह परमानेंटली और ऑटोमेटिकली आपके रेनफॉल डेटा को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अब जो यहां पे रेनफॉल डेटा आपका रिकॉर्ड हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, डेप्थ के फॉर्म में। तो रिकॉर्डिंग रेन गेज आपका जो रेनफॉल डेटा है, रेनफॉल डेटा इन द सेंस रेनफॉल डेप्थ आपकी जो है उसको अगेंस्ट द टाइम क्या करता है, प्लॉट करता है। तो रेनफॉल डेप्थ अगेंस्ट द टाइम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। क्लियर? यह रेनफॉल डेप्थ को टाइम के अगेंस्ट ग्राफ के फॉर्म में क्या करता है, प्लॉट करता है। उस ग्राफ को हम जानते हैं किस नाम से, मास कर्व के नाम से। क्लियर? तो कंटिन्यूअस प्लॉट ऑफ रेनफॉल डेप्थ अगेंस्ट टाइम इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ नॉन एज मास कर्व। क्लियर? तो यहां पर आपकी एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास कर्व कैसे प्लॉट किया जाता है। तो मास कर्व आपका प्लॉट कैसे होता है, रेनफॉल डेप्थ अगेंस्ट टाइम। क्लियर? जब हम रिकॉर्डिंग रेनगेज और नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेज से हमने जो डेटा को क्या कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है और प्रिपेयर करना है अब आपको, तो हम मास कर्व का यूटिलाइजेशन कहां पे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द रेनफॉल डेटा। क्लियर? तो वहां पे हम मास कर्व को और अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले। क्लियर? अब रिकॉर्डिंग रेनगेज जो होता है ग्रेट यूटिलिटी, ये बहुत ज्यादा उपयोगी आपको कहां पे पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल कि हिली एरिया आपका है या फिर फॉर ऑफ एरिया आपका है, बहुत दूर एरिया है जहां पर आप डेली विजिट नहीं कर पाते। क्लियर? क्यों? क्योंकि नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेज में आपको मॉर्निंग 8:30 डेली विजिट करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो डेली प्रेसिपिटेशन को मेजर करता था। तो यहां पे इसकी एक ग्रेट यूटिलिटी है कि आपको डेली विजिट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यह परमानेंटली और ऑटोमेटिकली आपके डेटा को रिकॉर्ड करता है। क्लियर? तो दैट इज ग्रेट यूटिलिटी इन हिली एंड फॉर ऑफ एरिया वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकल फिजिबल टू डेली विजिट द गेज स्टेशन। हम गेज स्टेशन को डेली विजिट नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्टेशंस पर हम रिकॉर्डिंग रेनगेज को प्लॉट कर देते हैं। क्लियर? अब यहां पे रिकॉर्डिंग रेनगेज को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी आपकी यहां पे होती है डेट इज टिपिंग बकेट टाइप। क्लियर? रिकॉर्डिंग रेनगेज का पहला टाइप क्या है आपका, टिपिंग बकेट टाइप। नेक्स्ट होता है आपका वेगिंग बकेट टाइप। क्लियर? सेकेंड टाइप हो गया है आपका रिकॉर्डिंग रेनगेज का। नेक्स्ट आपका आता है फ्लोटिंग टाइप, और फ्लोटिंग टाइप को हम एक नाम से और जानते हैं, डेट इज साइफन रिकॉर्डिंग रेनगेज। इंडिया में हम साइफन रिकॉर्डिंग रेनगेज को यूज करते हैं। क्लियर? अब इन जो हमने रिकॉर्डिंग रेनगेज के टाइप पढ़े हैं इसको हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो यहां पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये आपके टिपिंग बकेट टाइप रिकॉर्डिंग रेनगेज का डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले जो ऊपर ये सिलेंड्रिकल पोर्शन बना हुआ है डेट इज द कलेक्टर, यहां पे जो आपका रेन वाटर होगा सबसे पहले कहां पे कलेक्ट होने वाला है, कलेक्टर में कलेक्ट होगा। कलेक्टर के बाद वह जो रेन वाटर है वो किसमें आएगा, फनल में आएगा। क्लियर? तो ये फनल है। नेक्स्ट यहां पे जैसे हमने बोला टिपिंग बकेट, तो यहां पे आपने क्या किया है, टू कंपार्टमेंट
को यूज किया है, डेट इज टिपिंग बकेट। क्लियर, टू कंपार्टमेंट टिपिंग बकेट आपने इसमें यूज किया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, रिजर्वायर बनाया हुआ है कि इसमें आपका वाटर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। और रिजर्वायर से हम मेजरिंग ग्लास में आपके रेनफॉल की डेप्थ को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि एक प्रॉब्लम सी आ रही थी कि अगर रेनफॉल ज्यादा हो जाता था तो बॉटल से क्या हो जाता था, कैपेसिटी एक्सीड हो जाती थी, देन वी टेक टू एंड थ्री इंटरमीडिएट रीडिंग और उन रीडिंग्स का हम सम करते थे और देन हम रेनफॉल को प्लॉट करते थे। क्लियर, तो यहां पे क्या होता है कि फर्स्टली आपका रेन वाटर जो है कलेक्टर में आएगा, देन किस में आने वाला है, फनल में आएगा। और जैसे ही 0.1 mm, क्लियर, मैंने क्या बोला है आपको, 0.1 mm रेन वाटर आपके इस वन कंपार्टमेंट में फीड होगा, यह है कंपार्टमेंट क्या हो जाएगा, टिप हो जाएगा। टिप हो जाएगा मतलब ये यहां से क्या होगा, रोटेट होगा और एम्प्टी हो जाएगा रिजर्वायर में। क्लियर, फॉर एग्जांपल यहां पे आपका क्या आया, 0.1 mm जैसे ही वाटर कलेक्ट हुआ ये यहां से ऐसा रोटेट होगा और एम्प्टी कहां होने वाला है, रिजर्वायर में। ये सेकेंड कंपार्टमेंट है, जैसे ही ये टिप हुआ सेकेंड कंपार्टमेंट आपका फनल के नीचे पहुंच जाएगा, अगेन 0.1 mm आपका वाटर यहां पे रिकॉर्ड हुआ और फिर से वो टिप होगा और रिजर्वायर में कलेक्ट होता जाएगा। और रिजर्वायर के थ्रू हम मेजरिंग ग्लास से आपके रेनफॉल डेप्थ को मेजर कर सकते हैं कि कितना आपका रेनफॉल डेप्थ आया है। क्लियर, अब इस टिपिंग बकेट टाइप के रिकॉर्डिंग रेन गेज को हम कहां यूज करते हैं, जनरली इंस्टॉल्ड इन हिली एरिया एंड इन एसेसिबल एरिया। क्लियर, हिली एरिया मतलब पहाड़ी वगैरह बहुत ज्यादा आ रही हैं, आप डेली वहां पे नहीं जा सकते हो तो हम टिपिंग बकेट को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इनएसेसिबल। इनएसेसिबल का अगर मैं हिंदी मीनिंग आपको बताऊं तो इसका हिंदी होता है दुर्गम। क्लियर, जहां पे पहुंचना थोड़ा सा क्या होता है, टिपिकल होता है, तो ऐसे एरियाज में आपको टिपिंग बकेट रिकॉर्डिंग रेन गेज को यूज करना है। क्लियर, अब नेक्स्ट टाइप का हम देखते हैं वेगिंग बकेट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप का रिकॉर्डिंग रेन गेज को हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है सेकेंड टाइप इज वेगिंग बकेट टाइप। बेगिंग बकेट टाइप का जैसा कि आप बोर्ड पर क्या देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो इसका, तो सबसे पहले अपन डायग्राम समझ लेते हैं इसका। इसमें एक क्या होता है आपका, कैच बकेट होता है। नेक्स्ट यहां पे एक प्लेटफॉर्म आपका लगा हुआ है। क्लियर, कैच बकेट को हमने फिक्स करके रखा है प्लेटफॉर्म पे और इस प्लेटफॉर्म को हमने वेगिंग मैकेनिज्म से क्या करके रखा है, अटैच करके रखा है, डेट इज स्प्रिंग बैलेंस या फिर लेवल बैलेंस आप इसको बोलते हो। क्लियर, नेक्स्ट यहां पे हमने क्या किया हुआ है, इस वेगिंग मैकेनिज्म से एक रिकॉर्डिंग पेन को अटैच किया है जो रिवॉल्विंग ड्रम के अराउंड क्या होता है, मूव होता है। रिवॉल्विंग ड्रम या फिर रोटेटिंग ड्रम, इसको हमने क्या करके रखा है, ग्राफ पेपर से रैप्ड करके रखा हुआ है। क्लियर है इतना। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि रेन वाटर आपका क्या होगा, इसमें कैच बकेट में कलेक्ट होगा। जैसे जैसे उस रेन वाटर का क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उसका वेट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर, अब आपका वाटर क्या कंटिन्यूअसली इसमें रिकॉर्ड हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ द वाटर आपकी क्या होने वाली है, यहां पे बढ़ती जाएगी। और क्वांटिटी ऑफ द वाटर आपका बढ़ेगा तो यहां पर क्या होगा, उसका वेट भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे उसका वेट बढ़ते जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका ये जो रिकॉर्डिंग पेन है यह रिवॉल्विंग ड्रम के अराउंड आपको क्या करता जाएगा, रेनफॉल को प्लॉट करता जाएगा। दिस टाइप का रिकॉर्डिंग रेन गेज हम जनरली यूज करते हैं स्नोफॉल मेजरमेंट के लिए। क्लियर, बेगिंग बकेट टाइप रिकॉर्डिंग रेन गेज आपका यूज होता है कहां पे, स्नोफॉल को मेजर करने के लिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्नोफॉल क्या होता है, डेट इज द फॉर्म ऑफ द रेनफॉल, और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी और स्नोफ्लेक्स के फॉर्म में, कि कितनी डेंसिटी में आपके स्नोफ्लॉक्स हुए हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और सीक्वेंस वाइज उसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्लियर, तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, वहां पे हमने स्नोफॉल्स को डिस्कस किया था। क्लियर, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग रेन गेज की हम बात करें तो नेक्स्ट होता है आपका फ्लोटिंग टाइप। क्या होता है, फ्लोटिंग टाइप। इस फ्लोटिंग टाइप रेन गेज को हम साइफन टाइप रेन गेज भी बोलते हैं।
क्लियर। जैसा कि आप यहां पे डायग्राम देख रहे हो, यहां पर आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, डेट इज द फ्लॉट रॉड, और यहां पे रिवॉल्विंग ड्रम लगा हुआ है आपका, जिसपे हमने ग्राफ पेपर को क्या करके रखा है, फिक्स करके रखा है। ये आपका यहां पे क्या है, डेट इज फनल, ये क्या है आपका, फनल कलेक्टर। क्लियर। तो अब यहां पे आपका क्या हुआ, रेन वाटर, बारिश हुई, तो इस फनल कलेक्टर के थ्रू आपकी बारिश कलेक्ट होके कहां जाएगी, फ्लॉट चैम्बर में, जो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या चल रहा है यहां पे, फ्लॉट चैम्बर। इस फ्लॉट चैम्बर में आपका बारिश आना क्या हो जाए, कलेक्ट होना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फनल कलेक्टर ने उसको कलेक्ट किया है और कहां पे ट्रांसफर कर दिया, फ्लॉट चैम्बर में। अब ये जो फ्लॉट रॉड है, इससे हमने क्या करके रखा है, एक लीवर सिस्टम के थ्रू हमने एक पेन को यहां पे अटैच किया, डेट इज द पेन पॉइंट, सॉरी पेन पॉइंट। क्लियर, ये आपका क्या है, पेन का पॉइंट है। तो जैसे जैसे इसमें क्या होगा, वाटर राइज करेगा, ये जो लीवर सिस्टम आपका लगा है इसके हाइट के अलोंग, ये भी क्या करेगा, ऊपर अप करना चालू होगा। जैसे ही ये ऊपर अप होगा, यहां पे जो ग्राफ पेपर फिक्स है, जो पेन है, ये यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन द फॉर्म ऑफ मास कर्व आपको क्या देगा, रेनफॉल डेटा को दे देगा। अब जब सर्टेन हाइट तक आपका फ्लॉट चैम्बर क्या हो जाएगा, भर जाएगा, इसमें पानी आ जाएगा, तो ड्यू टू साइफोनिक एक्शन, क्लियर, साइफोनिक एक्शन के थ्रू ये यहां पे अटैचमेंट लगा हुआ है, दैट इज द साइफन, तो साइफोनिक एक्शन के थ्रो आपका ये फ्लॉट चैम्बर क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, और कंटिन्यूअसली आपके डेटा को क्या करता रहेगा, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करता रहेगा। इट इज स्टैंडर्ड रेन गेज, जो फ्लॉट टाइप या फिर साइफन टाइप आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, ये स्टैंडर्ड रेन गेज हम इसको कंसिडर करते हैं, और जनरली इंडिया में जो हम यूज करते हैं रिकॉर्डिंग रेन गेज, वो कौन सा करते हैं, या फ्लॉट टाइप और साइफन टाइप रेन गेज को हम यूज करते हैं। क्लियर। तो यहां पे हमने रिकॉर्डिंग रेन गेज के सारे टाइप डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेन गेज नेटवर्क डेंसिटी की बात करेंगे, कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको कितने नंबर ऑफ रेन गेज को इंस्टॉल्ड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, जिसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्शंस में अगर डाउट आते हैं, तो आप कमेंट के थ्रू वो हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी ट्राई कि आपके वो सारे डाउट्स को हम क्लियर करें। थैंक यू।